डेली व्लॉग आसान नहीं है बेटा, हम वो वाले वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइस आज का व्लॉग हम अपने मंदिर शुरू कर रहे हैं और एक मेरे मित्र मिले हैं तो अभी शायद उनसे भी मिलाऊंगा आपको। तो अभी तो बहुत ज़्यादा धूप हो गई है और आज व्लॉग थोड़ी देर से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया। रात में देर से सोया था तो इसलिए थोड़ा देर से सुबह उठा तो नहाने वाने में थोड़ा टाइम लग गया इसलिए थोड़ा व्लॉग लेट आया और आपको मिला था अपने फ्रेंड से। तो ये है, इसका नाम हरी है। हैरी पॉटर नाम है इसका। असल में ये मेरा मतलब बचपन से हम लोग पढ़ रहे थे तो देखिए इसकी मूछ आ गई ज़्यादा, मेरी मूछ कम आई है। तो आप पे चलते आगे दिखाते हैं और आओ हरी। तब भाई आज तक थोड़ा जिंदगी में क्या चल रहा है? बढ़िया चल रहा है और कुछ चल रहा होगा कि नहीं? यहाँ पर तो एकदम जंगल बन चुका है। अच्छा अभी हम लोग इतना वीडियो यहाँ बना चुके लेकिन अभी तक आगे नहीं आए। आपको दिखाता हूँ उस बाउंड्री के पार क्या है। तो गाइस ये देखिए, ये PAC है। जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूँ कि हम लोग जहाँ रहते हैं उसी घर के बगल, हम लोग घर के बगल PAC है। तो यहाँ पे पूरे PAC का ग्रुप रहता है, पूरा स्टाफ रहता है और यहाँ पे एक IG साहब भी रहते हैं। तो मतलब हम लोग एक पुलिस वाले के एरिया में रहते हैं, पुलिस के एरिया में हम लोग रहते हैं कि पुलिस हमारे एरिया में रहता है ये नहीं समझ आ रहा। जलवा है हमारा, ये पुलिस का ही पूरा एरिया है, देख सकते हैं। तो भाई चलते हैं यहाँ, कभी भी कौन सा कीड़ा आ जाए पता नहीं चलेगा। गाइस आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखिए ब्रांड का शूट नहीं कर रहा हूँ मैं, इसको छुपा देता हूँ। और ये देखिए यहाँ पे मंदिर लोग नहीं आते हैं, यहाँ पे मदिरा पीने आते हैं। अच्छा आने का मेरा मेन मकसद ये रहता है ना, क्योंकि यहाँ पर सुकून रहता है, शांति रहती है। और इस समय थोड़ी तबीयत भी ख़राब चल रही है मेरी, तो समझ नहीं आ रहा क्या करें। A few moments later, 2000 years later, 1 eternity later. अरे बेटा तुम फिर आ गए, पहचाने अपने चाचा को? क्यों नहीं आपको पहचानेंगे, आपको दुनिया पसंद कर रही है ना। नहीं बेटा, हम वो वाले चाचा नहीं है, विधायक चाचा तो हमारे बड़े भाई है। हमारा नाम है PK गिर पड़े, समझो। क्या बोला तूने? ये कैसे हो सकता है, लेकिन दिखते तो दोनों एक जैसे हैं, ऐसा क्यों? ओ बेटा तुमको हमें एक बात बताई थी, समझो। ही इज माय ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, समझो। That's the wrong number. अब तुम समझ ले हो, काहे बताई तो काम स्कैम। मतलब वो जो चाचा थे तो मतलब फेंकते थे क्या? उनका एक बात बताई, एक गोली दे तई उसका ले लियो, अब यहाँ पैर पटको और समझ तो गए हो गए आ गया है। चलो निकल लो यहाँ से, बहुत बकैती जा रहा तुम आए, चलो निकलो। हम लोग अपने कमरे में आ गए हैं और अभी मंदिर से तुरंत तुरंत सभी में आया हूँ। तो इससे पहले जो अभी इसके पहले जो था ये सब थोड़ा मजाक था, तो मैं सोचता हूँ कुछ फनी को तो हट के करूँ। तो ये कुछ स्पेशल था और एक स्पेशल पर्सन के लिए था, स्पेशली उसी के लिए था क्योंकि उसको कॉमेडी पसंद है, तो ये सिर्फ उसी के लिए था। तो वो चैनल देख रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना चैनल को, क्योंकि वो तुम्हारे लिए था, स्पेशल फॉर यू। तो आप लोग समझ लेंगे कौन किसकी बात कर रहा हूँ। तो वो एक स्पेशल पर्सन है जो मेरे स्पेशल है, मैं नाम नहीं बता सकता क्योंकि प्राइवेसी भी कुछ मैटर करती है। तो दूध वाले अंकल आ गए हैं, पहले दूध ले लेते हैं। अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और अभी 2 घंटे से लाइट नहीं है और इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है कि क्या ही बोलें। मतलब अभी तो जून जुलाई वाली गर्मी में नहीं आई, तब भी इतनी गर्मी लग रही है। तो
देखिए अभी और आगे गर्मी पड़ेगी, बारिश होने के बाद फिर धूप निकल जाएगी ना तो और गर्मी पड़ेगी। तो फिर चलते हैं अभी नीचे, अभी ऊपर थे छत पे तो ऊपर गर्म लग रहा है, तो चलेंगे नीचे और देखते हैं। आज कल में कूलर सेटअप करेंगे नीचे वाले रूम में और ऊपर वाले रूम में। ऊपर तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, ऊपर तो भपक रहा है जैसे कि अंगारा में लेट हैं हम लोग। तो चल रहे हैं नीचे, देखते हैं शाम को सीन क्या बनता है। तो अभी तो चलते हैं नीचे, मोबाइल में बैटरी नहीं है तो उसको भी किसी तरह चार्ज लगाना पड़ेगा, जल्दी लाइट आ जाए तो चार्ज लगाएं फ़ोन को भी। तो चलते हैं। अभी आज से मेरा पाँच से छः सात दिन पहले का ब्लॉग आप देखेंगे तो मौसम इतना बढ़िया था कि क्या कहें, दिन में और मतलब ठंडा रहता है, दिन में भी ठंडा रात में भी ठंडा, और अभी तो एकदम जैसे ओला गिर रहा है। तो देखते हैं जब बारिश होगी थोड़ा सा मौसम ठंडा होगा। तो चलते हैं अभी नीचे और शाम के छः बज रहे हैं और अभी मैं तो तलाक इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोग सोच रहा हूँ तो तलाक ये बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी जीभ में इतना बहुत छाटा हो गया है कि वो दर्द हो रहा है और थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी तो इसीलिए दोपहर में सो गया था मैं। और अभी मतलब आधा घंटा हुआ उठे तो सोचे चलो ब्लॉग कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं ऊपर, ऊपर चलते हैं तब दिखाते हैं आपको। गाइस अभी सनसेट हो रहा है तो मैं आपको सनसेट दिखाता हूँ। तो वो पीछे सूरज छुप चुका है, अभी सनसेट का टाइम चल रहा है। और ये सीन देखिए इस पेड़ का, मैं आपको कब से दिखाता ये पेड़, जब से ये हरा नहीं था और ये देखिए अब लगातार हरा हो रहा है। अभी जब इसकी पत्तियाँ बड़ी बड़ी हो जाएंगी ना तो और ये सुंदर लगेगा। तो आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ, डेली व्लॉग आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था, लेकिन हाँ इस डेली व्लॉग से मुझे ये समझ में आ गया कि इतना तो थोड़ा सा आइडिया हो ही गया है और एडिटिंग में मेरे भी थोड़ा सा अंतर हो गया है, बोलने का तरीका और फेस करने का तरीका। लोगों से मैं झेप खाता था कि हाँ व्लॉग कर रहे हैं पागल तो नहीं है, तो सब दूर हो रहा धीमे धीमे। कभी तो 12 दिन हुए, 24 दिन का चैलेंज लिया था तो देख पाते हैं कर पाते हैं कि नहीं, लेकिन पूरा कोशिश करेंगे कि चैलेंज पूरा करें। तो अभी चल रहे हैं नीचे ऊपर को मिलता है। गाइस अभी मेरे टेबल इधर पता नहीं कौन करती है, शायद मम्मी करती होंगी, तो सोच रहे हैं इसको आगे कर दें।